गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं खुश हूँ मेरी क्लास से कि आप जो मैं बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। होमवर्क काफ़ी स्टूडेंट सेंड करने लगे हैं, बस थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं ना वो और सेंड करने लग जाओ, फिर आपकी क्लास क्या होगी? परफेक्ट क्लास होगी स्कूल के अंदर, आइडियल क्लास, जिसको प्रिंसिपल सर बोलेगी कि सबसे आइडियल क्लास है। ओके, तो उसके लिए आपको जो काम बताया जाता है उसको डेली नोट करके टीचर को सबमिट कीजिए। आपका टॉपिक था जो हम पढ़ रहे थे, फन विद मैग्नेट्स। टॉपिक नेम क्या था? फन विद मैग्नेट्स। ओके, इट्स योर चैप्टर नंबर 13 इन योर एनसीईआरटी साइंस बुक, इन विच वी ड्यूल अबाउट द व्हाट इज मैग्नेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मैग्नेट्स एंड व्हाट आर द शेप्स पॉसिबल फॉर द मैग्नेट्स, पॉसिबल शेप्स ऑफ द मैग्नेट्स, एंड देन मैग्नेटिक मटीरियल, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द फाइंडिंग द डायरेक्शन। सो टुडे वी डील अबाउट फाइंडिंग द डायरेक्शन। हाउ कैन वी यूज द मैग्नेट टू फाइंड द डायरेक्शन? इसके अंदर आपको ये बताना है कि आप किस तरह से आप मैग्नेट का यूज़ करके आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं। आपको वो इसमें क्या करना है, पढ़ना है। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हमने कल एक स्टोरी पढ़ी थी चाइना एम्परर की, वो आपको समझ में आई थी कि चाइना एम्परर के पास एक कार्ट होता है, कार्ट के अंदर एक लेडी स्टैचू है जिसका एक्सटेंडेड हैंड है, वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी कराई गई है। क्या एक्टिविटी कराई गई? कि आपकी एक, मान लीजिए कि आपकी रूफ है, क्या आपका एक रूफ है, रूफ से एक बार मैग्नेट को क्या किया गया, धागे की हेल्प से, ये क्या आपका थ्रेड, ये क्या आपका थ्रेड। ओके, आपको ये पता है नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ये क्या है कि आपके बार मैग्नेट है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको कहता है कि आप इसको रोटेट कराते हो। क्या कराते हो? एक्टिविटी करके देखिए, इसको रोटेट कराते हो। आप लिया ऐसे पकड़ रखा है कि जैसे आप मान लीजिए धागे से लटका हुआ है, इसको आप घुमाते हो, बार बार घुमा के छोड़ दिया, तो उस डायरेक्शन में ये कहाँ रुकता है, ठीक है? आपने पहली ऑब्जर्वेशन नोट की कि ये कहाँ रुकता है। फिर आपको एक एक्टिविटी कराई गई कि सेकेंड टाइम भी आप क्या करते हो, इसको रोटेट कराते हो और फिर आप इसको रोकते हो, फिर इसकी आप जगह देखते हो कि कहाँ स्टॉप होता है, तो वो भी आपकी जगह आप नोट करते हो। थर्ड टाइम आपने सेम एक्टिविटी की, तीनों टाइम पे आप क्या करते हो, इसको रोटेट कराते हो और उसके बाद आप देखते हैं कि ये कहाँ रुकता है आपका। तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों टाइम पे इसकी एक ही पोजीशन होती है, क्या होती है, सेम पोजीशन होती है। सेम पोजीशन पे आके क्या करता है, रुकता है। एक ही एक्टिविटी की गई। दूसरी एक्टिविटी ये की गई कि बार मैग्नेट को छोड़ के मार्कर लगा दिया, मार्कर को आप घुमाते हो तो हमेशा एक पोजीशन पे नहीं रुकता, फर्स्ट पे अलग, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग। इनके लिए क्या हुआ, इनकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। तो यहाँ से मैग्नेट के कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन का ये केस आया कि अर्थ है आपकी, अर्थ आपकी क्या होती है, खुद आप कहाँ रहते हैं, आप अर्थ में रहते हैं। ये बताया गया कि अर्थ भी आपकी एक क्या है, मैग्नेट है, क्या आपकी मैग्नेट है, अर्थ आपकी खुद एक मैग्नेट है। अगर अर्थ के अंदर आप कहीं पे भी उसको एक धागे से लटका के बार मैग्नेट को घुमाएंगे तो हमेशा क्या होगा, आपको पता है कि आपके लाइफ में नॉर्थ साउथ किस तरह से डिसाइड करता है। आप टॉप मोस्ट को नॉर्थ बोलते हो, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे क्या होगा आपका वेस्ट होता है। इस डायरेक्शन में आप करते हैं, आपकी जो मैग्नेट है वो हमेशा कैसे इंक्लाइंड होगी, इस तरह से इंक्लाइंड होगी, यहाँ पे साउथ पोल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ पोल आएगा, ठीक है। हमेशा वो एक पोजीशन में आके रुकेगी कि उसकी एक पोजीशन है वो, चाहे आप कितनी तेज उसको रोटेट कीजिए, चाहे आप कितनी धीरे कीजिए, किसी भी डायरेक्शन में पहले आप इस तरह से घुमा रहे थे फिर उसको इस तरह से घुमा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पोजीशन हमेशा किस तरह से आएगी, इस तरह से वो पोजीशन में आएगी। उसका साउथ पोल नॉर्थ की साइड और नॉर्थ पोल आपका साउथ की साइड आएगा, ठीक है। इतना आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके अंदर बेटा आपको एक और प्रॉपर्टी आती है जो आपको करना है, वो प्रॉपर्टी क्या आती है, आपको पहले मैं बीच में करा रही हूँ इसके साथ साथ, ये कि अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, कि एक मैग्नेट है उसके पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, वो आपको करना है। कि अगर आपके एक मैग्नेट है, मैग्नेट के कैसे पोल है आपके, साउथ साउथ पोल है, अगर आपका मैग्नेट का दोनों पोल के आपके सेम है तो उनके बीच में हमेशा, मैं देखो आपको शॉर्ट में करा रही हूँ कोई एक्टिविटी वगैरह ना करा के, कि जो सेम पोल्स होते हैं
सेम पोल्स में क्या होता है आपका? रिपल्शन. क्या होता है आपका? रिपल्शन. अपोजिट पोल्स में क्या होता है आपका? अट्रैक्शन. क्या होता है आपका? अट्रैक्शन. ठीक है, कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. किस तरह से? अगर आपका एक पोल, आपके एक मैग्नेट का ये यहाँ पे क्या है? नॉर्थ. यहाँ पे क्या है? साउथ. दूसरी मैग्नेट लेके आते हो तो इसका यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ. यहाँ पे साउथ. तो साउथ और नॉर्थ अपोजिट हो गए. इट मीन्स ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अगर इसके जगह यहाँ पे क्या होता है? साउथ. और यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ. तो दोनों क्या करते? रिपेल करते. दोनों क्या जाते? दूर दूर जाते. ठीक है, एक दूसरे को दूर लगाने के, दूर भेजने के लिए क्या करते? फोर्स लगाते. ये क्या थे आपके मैग्नेट्स के अट्रैक्शन और रिपल्सन होते हैं, कि अगर आपके अपोजिट पोल्स की बात करते हो तो अट्रैक्शन, और आपके सेम पोल्स की बात करते हो तो रिपल्शन. बेटे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप इसका यूज़ कर रहे थे कि हमेशा एक डायरेक्शन में आके रुकती है. तो इसीलिए जो पहले आपके जो फॉरेस्ट वगैरह में थे, काफ़ी आपके कहते हैं ना कि रिसर्चर थे आपके, जो रिसर्च करते हैं, टूरिस्ट होते आपके, वो टूरिस्ट क्या करते थे? एक धागे से लटका के फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखते थे, उसको घुमाते थे, वो हमेशा डायरेक्शन आपको बताती थी कि किस डायरेक्शन में रुकेगी. उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्थ साउथ देख के आप चले जाते थे. फिर उसके बाद आपका एक डिवाइस आया, उस डिवाइस का नाम क्या था आपका यहाँ पे? कंपास. क्या था आपकी लाइफ में एक डिवाइस आया, उसका नाम क्या था आपका? कंपास. कि कंपास आपका क्या होता है? कंपास आपका एक डिवाइस होता है दैट गिव्स यू डायरेक्शन. आपको क्या देता है? डायरेक्शन देता है कंपास. आपका एक बहुत छोटा डिवाइस होता है. इसकी शेप किस तरह से होती है? कि ये सर्कुलर शेप में होता है. ठीक है, आप मान लीजिए प्लास्टिक का है, मेटल है, उसके अंदर बीच में आपकी पायोटेड, यहाँ पे क्या होती है? एक नीडल होती है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पे रीडिंग होती है कि कितने डिग्री का आपको कहाँ रोटेट करना है. ये आपकी नीडल होती है, इसमें यहाँ पे क्या लगा होता है? नॉर्थ पे मैग्नेट लगा होता है. क्या लगा होता है? इसमें एक मैग्नेट लगा होता है जो क्या बताता है आपको? डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग. आपकी बुक है ये, आपकी बुक में आपको कंपास का डायग्राम बिल्कुल क्लियरली दिखाई दिया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं. यहाँ पे क्या है आपको? ये निडल है, बीच में आपकी क्या लगी हुई है? मैग्नेट लगी हुई है आपको, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है, आपको यहाँ पे जो दे रखी है, आपको रीडिंग्स दे रखी है. ये क्या है आपकी यहाँ पे एंगल्स हैं, कितने डिग्री पे आपको रोटेट करना है, लेफ्ट राइट करने के. आपके यहाँ पे क्या है? ये एंगल्स हैं. आपके कंपास का यूज़ कहाँ करते हो आप? जो शिप्स होती है, ठीक है, समुद्र में आपको ये कोई आपने रोड बना रखा है वहाँ पे आप कंपास का यूज़ करते हो. एरोप्लेन्स होती है, पायलट आपकी एरोप्लेन को वहाँ पे क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है, वो किसका यूज़ करता है? कंपास का यूज़ करता है. वहाँ पे डायरेक्शंस कैसे बताई जाती हैं? इतने डिग्री टू ईस्ट, इतने डिग्री टू वेस्ट. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंपास के अकॉर्डिंग वहाँ पे टर्न करते रहते हैं. तो कंपास का आपका वहाँ यूज़ होता है. ये क्या होता है आपका? एक सर्कुलर, आपने देखा सर्कुलर शेप में होता है, जो किससे कवर होता है आपका? वहाँ ग्लास से कवर होता है. ठीक है, बीच में उसकी एक तीली मैग्नेट लगी हुई होती है, और ये आपकी जो इसकी नीडल है वो फ्रीली रोटेट कर सकती है डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग. इस तरह से आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को पता चल जाता है आपको, और आपके टूरिस्ट प्लेस में बहुत हेल्प करता है. जो माउंटेनियर्स होते हैं वो आपकी इसकी काफ़ी हेल्प करते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक नीडल होती है ये, आपकी काफ़ी कलर्स की होती है, इसको पेंट कर दिया जाता है. ये तो बात थी इतनी. उसके बाद आता है कि आपको अपनी खुद की मैग्नेट बनानी है. आप खुद की मैग्नेट कैसे बनाओगे? मेक योर ओन मैग्नेट. आपसे मैं एक एक्टिविटी देती हूँ बेटा, आप सबको अपनी खुद की मैग्नेट बना के लेके आनी है. तो आप अपनी मैग्नेट कैसे बना सकते हो? आप अपनी मैग्नेट बनाने के लिए आपका दूसरा टॉपिक आ रहा है, मेक योर ओन मैग्नेट. कि आपकी मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, ये कि आपकी एक मैग्नेट है. ओके, देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? कि ये मैग्नेट नहीं है, सॉरी, ये मान लीजिए आपकी क्या है? सॉफ्ट आयरन रोड है. क्या आपकी सॉफ्ट आयरन रोड है? इसके ऊपर आप एक बार मैग्नेट लेते हैं. क्या लेते हैं आप? इसके ऊपर एक बार मैग्नेट लेते हैं. उसको कैसे मूव करा रहे हैं? इसके इस एंड से, इस तरह से इस एंड मूव कर दिए. फिर उसके बाद आप इसको ऊपर उठाते हो, फिर यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हो. इस तरह से, इस प्रोसेस से, मतलब मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपकी आयरन रोड है, मैं ये मैग्नेट है, ये मार्कर हमारा क्या है? मैग्नेट. मैं इसके ऊपर इसको रोटेट करा रही हूँ, फिर उठाती हूँ, फिर इसको इसी एंड से रोटेट करा रही हूँ, फिर उठाती हूँ, फिर इसको इसी, इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 रिवोल्यूशन. कितने? 30 to 35 रिवोल्यूशन, या मे बी और मोर देन 30 to 35 रिवोल्यूशन. कंटिन्यूसली आप एक डायरेक्शन में आप इसको क्या करते हो? बार मैग्नेट को रोटेट कराते हो. किसके ऊपर? सॉफ्ट आयरन रोड के ऊपर. उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपके पास आयरन जो पिन होती है, सेफ्टी पिन हो गई,
ठीक है, आयरन फिलिंग्स हो गई, उसको अगर आप इस रोड के पास लेके जाओगे तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हो, मेक योर ओन मैग्नेट। मैग्नेट बनाने के तरीके बहुत है, आपने सबसे सिंपल तरीका आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चूज़ किया है। तो ये तरीका था कि सॉफ्ट आयरन रोड के ऊपर अगर आप एक बार मैग्नेट को रोटेट कराते हैं बार बार एक ही डायरेक्शन के अंदर, जैसे आपने पहला स्टेप लिया था उसी डायरेक्शन में आप सारे स्टेप्स लेते हैं, तो उस टाइम के ऊपर आप देखते हैं कि अगर आप कुछ लाइट वेट के आयरन ऑब्जेक्ट्स उस मैग्नेट के पास लेके जाते हो, सॉरी इस रोड के पास लेके जाते हो, तो आपको वो क्या दिखाई देता है, वहाँ पे अट्रैक्शन दिखाई देता है, वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इट मीन्स आपकी जो सॉफ्ट आयरन रोड थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी मैग्नेट में कन्वर्ट हो रही है। यही एक तरीका था आपका मैग्नेट बनाने का। बेटा उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या दे रखी है आपको, कि आपको एक क्या दे रखा है, कप ऑफ वाटर। क्या दे रखा है आपने, कप ऑफ वाटर आपने यूज़ कर रखा है वहाँ पे। इसके अंदर आपने क्या किया, एक कंपास लगा दिया, यहाँ पे आपने एक कॉर्क यूज़ किया, वुडन कॉर्क, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, कंपास निडल लगा दिया मैग्नेट की हेल्प से। याद रखना केस आपको कि जो पानी है वो आपके इस निडल को टच ना कर पाए। उसके बाद ये आप जहाँ पे भी इस कॉर्क को आप मूव कराओगे, इसको आप रोटेट कराते हो, तो ये आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा, वेरिएबल। ये किसका एग्जांपल है कि जो शिप वो होती है आपके पानी में, जो शिप होती है उसके लिए बताया है कि शिप किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है तो वहाँ पे कंपास होते हैं जो उनको क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ये एक्टिविटी आपको उनको शो करती है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये तो हो गया सिंपल बात कि आपने मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी और सब कुछ पढ़ा है। इसके बाद आता है फ्री प्रिकॉशंस, कि आपको प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी पड़ेगी अगर आप मैग्नेट से डील करते हैं, मैग्नेट से आप बात करते हैं, मैग्नेट की आप बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़े, उसके पोल्स पढ़े, कैसे यूज़ करते हो आप उसको, कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने में यूज़ करते हो, तो उसकी प्रिकॉशंस भी होती है कि जिनसे आपको क्या रखना होता है, आपको सावधानी रखनी होती है कि मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी लॉस ना करे। तो आपको जो प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस, उन प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि जो मैग्नेट होती है उसको कभी भी हीट नहीं करते, अगर मैग्नेट को हीट करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आपका मैग्नेट कैन नॉट बी हीटेड। तो मैं आपको यहाँ पे नोट करके बताती हूँ, प्रिकॉशन डेट बी टेकन फॉर मैग्नेट, प्रिकॉशंस डेट बी टेकन विद मैग्नेट। फर्स्ट क्या कहता है, डोंट बी हीट, डोंट बी हीटेड, आप उसको गर्म नहीं कर सकते, गर्म करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस होगी। डोंट बी हैमर्ड, आप उसको हथौड़ा नहीं मार सकते, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, डोंट बी हैमर्ड और नॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अगर आप उसको मार करके ड्रेस के कैप की ड्रेस को नीचे गिरते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, अगर आप उसको हाइट से आप ड्रॉप करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वहाँ पे लॉस होती है। ये किसका था आपका, मैग्नेट की प्रिकॉशन सी। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपकी मैग्नेट आपकी वीक पड़ जाती है काफ़ी, किस केस में, अगर आप उनको एक एक कहते ना कि उनको स्टोर करने का जो तरीका होता है, उनको रखने का जो तरीका होता है, अगर उस वो सही नहीं है तो आपकी जो मैग्नेट होती है वो क्या होगी, वहाँ पे वीक पड़ जाती है, उसका फील्ड वहाँ पे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो मैग्नेट होती है उनको सेफ करने के लिए आप क्या करते हो, उनको स्टोर क्या कीजिए, अच्छे से स्टोर कीजिए उनको। बार मैग्नेट्स होती है, उनके जो पेयर्स होते हैं उन पेयर्स को वहाँ पे क्या कीजिए, अनलाइक पोल्स होते हैं आपके बार मैग्नेट्स होती है ना आपकी, शुड बी कैप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। की मतलब अगर आपको बार मैग्नेट स्टोर करनी है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए इसका, नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल्स आने चाहिए, ठीक है। इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बनी रहती है। फिर उसके बाद कहता है कि जो आपके यू शेप मैग्नेट हो गई, ये इन मैग्नेट्स के बीच में हमेशा एक आयरन रोड आपको लगा के रखनी है, सॉफ्ट आयरन रोड्स, यू शेप मैग्नेट हो गई उसके बीच में भी आपको हमेशा क्या लगा के रखनी है, पोल्स के बीच में एक आयरन रोड लगा के रखनी है, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज़ बनी रहती है। और एक ये कहता है कि आपके मैग्नेट के नुकसान कहाँ कहाँ पे हैं, तो मैग्नेट्स होती है, कैसेट्स होती हैं आपकी, ठीक है, मोबाइल होता है, टेलीविज़न होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, वहाँ पे आपको मोबाइल दिए मैग्नेट्स का यूज़ कम करना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जो मैग्नेट होती है वो मीटर के पीछे लगा देते हैं, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसके पीछे लगाते हो तो वो उसका क्या होता है, वो रीडिंग काम करना बंद कर देता है। मैग्नेट का अपने खुद के काफ़ी इफेक्ट्स है, वो आपके हायर स्टडीज़ में आएंगे, ठीक है। तो मैग्नेट को इलेक्ट्रिकल अप्लिकेंसेस होते हैं उनके पास कम रखिए, उनको अवॉइड कीजिए मैग्नेट को रखने के लिए, वहाँ पर वो उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये आपके मैग्नेट का चैप्टर था जो आपने कंप्लीट कर लिया है। आज आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिल जाएगी जो आपको सोल्व करा देंगे। ये था आपका, वीडियो समझ में आती है तो मैंने कल भी बताया था, आप सबको एक कमेंट ड्रॉप करना है।
लाइक अगर आपको समझ में आता है तो सेकंड आपको कमेंट ड्रॉप करना है, आपका नाम, आपको अंडरस्टैंड हुआ टॉपिक या नहीं हुआ, इतना बस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।